देखिए दोस्तों, इंडियन टू व्हीलर मार्केट में न्यू बाइक्स को लॉन्च करने की बात करें या फिर ओल्ड बाइक को अपग्रेड करने की बात करें, लिस्ट में यामा सबसे पहले नंबर पे आता है, बिकॉज अपनी ओल्ड बाइक को सबसे पहले अपग्रेड करता है और साथ ही न्यू बाइक्स को भी लाइक लॉन्च सबसे पहले करता है। जैसे कि ऑलरेडी आपको बताया कि 2023 के शुरू में यामा ने अपने चारों वेरियंट को अपग्रेड कर दिया था। यामा की FGS वर्जन 4, जो कि आप ऑफिशियल वीडियो में देख पा रहे होंगे, यामा की FGX रेटो सेगमेंट की जो कि आपको 150 देखने को मिलती है, उसको भी यामा ने अपग्रेड कर दिया था। यामा की R15M को भी और MT15 V2 के लाइक 2023 मॉडल को भी अपग्रेड कर दिया था, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे प्रीमियम फीचर देखने को मिलते हैं। तो यामा की तरफ से हर सेगमेंट की एक नेक्स्ट लेवल एडवांस बाइक अवेलेबल है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में यामा के पास एक ऐसी बाइक है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में TFX 150 के नाम से जानी जाती है और कुछ कंट्री में लाइक यामा M/150 के नाम से भी जानी जाती है। यामा अगर इस बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च कर देता है तो जो यामा की FGS वर्जन 4 डीलैक्स और साथ ही MT15 V2 के बीच का जो गैप है, ये बाइक इजीली फुलफिल कर देगी। यामा की FGS वर्जन 4 डीलैक्स में आपको थोड़ी सी पावर कम देखने को मिलती है, फीचर काफ़ी अच्छे ऑफर कर दिए हैं। साथ ही यामा की MT15 V2 2023 मॉडल जो अपग्रेड किया है यामा ने, उसमें एडवांस फीचर तो देखने को मिलते हैं, लेकिन वो बाइक बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, लाइक 2 लाख के अराउंड देखने को मिलती है। तो इस बाइक को अगर M/150 को अगर इंडियन टू व्हीलर मार्केट में यामा लॉन्च करता है 1,70,000 या फिर 1,60,000 के ऑन रोड प्राइस पर, ये बाइक अपना एक अलग ही प्लेटफॉर्म सेट कर लेगी। इंटरनेशनल मार्केट में ये बाइक काफ़ी टाइम से अवेलेबल है, बाइक में काफ़ी अच्छा लुक डिजाइनर स्टाइल दिया है, फुल्ली नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है, प्रीमियम फीचर दिए गए हैं, प्रीमियम कंपोनेंट दिए गए हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे फीचर बताने वाला हूं इस बाइक के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट की। सबसे पहले बात करते हैं बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों, इसमें आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 149cc का 4-स्टॉक सिंगल सिलेंडर SOHC 4-वाल्व इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपको BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है, लेकिन इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आपको BS6 Phase 2 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा OBD2 सेंसर के साथ। उसका रीज़न ऑलरेडी आपको पता है कि 2023 से मैंडेटरी हो चुके हैं, तो डेफिनेटली यामा को ये ऑब्वियसली ऑफर करने होंगे। बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आपको इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगा। इस बाइक के फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलते हैं 37mm के, रियर पार्ट में शॉक ऑब्जर्वर स्विंग आर्म सस्पेंशन के साथ, साथ ही बाइक के आपको डायमेंशंस भी काफ़ी अच्छे ऑफर किए गए हैं। 164mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 135kg का वेट, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, एंड 805mm की सीट हाइट, तो आप सीट को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। 10.2 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है बाइक में, आपको 135kg का वेट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट बाइक है ये। साथ ही बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है LCD। फ्रंट में आपको हेडलाइट देखने को मिलती है काफ़ी कॉम्पैक्ट टाइप की, लाइक हीरो की एक्सट्रीम 160R की तरह, एंड बाइक के रियर पार्ट में आपको LED टेल लाइट दी गई है, एंड बाइक में फ्रंट एंड रियर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो इंडिकेटर हैं वो आपको हैलोजन ऑफर किए गए हैं, लेकिन इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आपके लिए दोस्तों LED ऑफर भी कर सकता है यामा। एंड बाइक में काफ़ी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं, जिसकी वजह से बाइक को राइडिंग करते समय आपको रोड पर काफ़ी अच्छी बाइक ग्रिप प्रोवाइड कराएगी। फ्रंट में आपको 110/70 का टायर देखने को मिलता है, रियर में आपको 130/70 का, दोनों ही टायर 17-इंच के अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं, इनमें आपको 10 स्पोक अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। ओके, फ्रंट में आपको 267mm की हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क प्लेट देखने को मिलेगी, रियर में आपको 220mm की हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क प्लेट देखने को मिलेगी, और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा, बिकॉज प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलेगा। बड़े आराम से बाइक आपको 45-40 km/L का माइलेज प्रोवाइड करा देगी। साथ ही इस बाइक को कम्पीट करने के लिए कोई भी बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अवेलेबल नहीं है इस टाइम पर, बिकॉज यामा की जो बाइक्स हैं उनके लुक्स जो है अदर बाइक्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, और पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक के प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। इसमें आपको काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजिकली एडवांस फीचर देखने को मिलेंगे इंजन में, ऑलरेडी आपको बताया कि BBA टेक्नोलॉजी आपको यामा MT15 V2 के अंदर देखने को मिलती है, तो इसमें भी यामा ऑफर कर सकता है। बाकी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें काफ़ी सारे न्यू प्रीमियम कलर स्कीम आती हैं, लाइक फर्स्ट कलर आपको देखने को मिलता है रेड विद ब्लैक कॉम्बिनेशन, सेकंड कलर आपको देखने को मिलता है ब्लू विद व्हाइट कॉम्बिनेशन, थर्ड कलर आपको ऑफर किया गया है ग्रीन विद ग्रे कॉम्बिनेशन, एंड एक फोर्थ कलर और आता है जो कि आता है ऑल ब्लैक, लाइक आपको ऑल ब्लैक का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको यामा की MT15 V2 के अंदर देखने को मिलता है जैसा। ओके, इसके की फीचर्स के बारे में बात करूं तो बाइक के अंदर प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं, लाइट वेट बाइक है, फ्यूल इंजेक्शन इंजन है, LED हेडलाइट का सेटअप है, साथ ही इंप्रेसिव ग्राउंड क्लियरेंस है।
आप ऑफ रोडिंग काफी अच्छा कर सकते हैं इस बाइक को लेकर। ओके, बाकी बाइक के लुक डिजाइन और स्टाइल के बारे में बात करूं तो यामा की ये बाइक भी काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, जिसमें आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है। प्लेन कंफर्टेबल रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, ये जब ही कन्फर्म होगा जब ये बाइक लॉन्च हो जाएगी। ओके, बाकी बात करते हैं बाइक की लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेड इस बाइक के प्राइस आपको 130,000 या फिर 140,000 एक्स शोरूम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये बाइक ऑन रोड आपको 160,000 या फिर 65,000 या फिर 70,000 के आसपास भी आपको देखने को मिल सकती है। इस बाइक का आप वेट कर सकते हैं। यामा अगर इस बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च कर देता है तो एक अलग ही प्लेटफॉर्म सेट कर देगी ये इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना। इस बाइक से रिलेटेड अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।